राधे राधे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मथुरा का सबसे खूबसूरत इटालियन मार्बल से बना प्रेम मंदिर। आप देख सकते हैं ये जैसे ताजमहल प्रेम की निशानी है, इसी तरह इसको भी प्रेम की निशानी के आधार पर ही इस मंदिर को बनाया गया है। और इस मंदिर को ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, बताया जाता है लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो है प्रेम मंदिर यहाँ पे वृंदावन के अंदर बनाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रेम मंदिर जगत गुरु कृपालु, कृपालु जी जो है उनके ट्रस्ट के द्वारा ही ये मंदिर बनवाया गया है। और अभी हम अंदर चलेंगे और जो कृष्ण की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं इस मंदिर के अंदर दर्शाई गई हैं वो सारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें। और हमारे साथ है हमारी राधा जो कैमरामैन है, हम और दोनों चलने वाले हैं अंदर। तो चलिए फटाफट सीधा चलते हैं अंदर। बोतल उठा लो, आ जाओ। ये है यहाँ से एंट्री और ये सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपन रहता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे 8:30 बजे तक ओपन रहता है। तो चलो एंट्री कराते हैं और सीधा चलते हैं अंदर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अभी हम प्रेम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ये जो प्रेम मंदिर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, अब जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे। ये देखो कृष्ण भगवान जी जो सांप हैं, 7 फन वाला सांप है, यहाँ पे लीला दिखा रहे हैं अपनी, जैसे कृष्ण लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है सामने बहुत ही भव्य और खूबसूरत प्रेम मंदिर। अभी हम अंदर चलेंगे और कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे। वहाँ पे देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत है और यहाँ पे कृष्ण और राधा झूला झूल रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इधर से चलते हैं, सीधा उधर से घूम के आएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं अभी क्या है कि 4:30 बजे, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ पे लगभग 7:30 के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि इस गली में सिर्फ श्रद्धालु श्रद्धालु दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक बाल लीला है जो कृष्ण भगवान और दिखा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी जो गाय हैं वो हैं, ये देख सकते हैं चारों तरफ गाय हैं। और वहाँ पर कृष्ण भगवान जी हैं, देख सकते हैं जब वो गैया चराने के लिए जाते हैं वो यहाँ पे लीला जो है दर्शाई गई है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ माखन चुराकर अपने मित्रों के साथ ये माखन खा रहे हैं। तो ये सीन यहाँ पे दर्शाया गया है माखन चुरा के खाते समय का। इस साइड दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं।
और जितनी भी गोपियां हैं सारी के सारी अलग हैं, और जो कृष्ण भगवान हैं वो एक ही हैं, सभी के साथ वो रासलीला कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और बीच में शायद राधा रानी है ये देख सकते हैं, और ये चारों तरफ जितनी भी गोपियां हैं वो सब आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही सुंदर जो दृश्य है वो यहाँ पे दर्शाया गया है आप देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक गुफा है, गुफा में अभी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो गेट है वो बंद है, और ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बीच में बैठे हुए हैं, और चारों तरफ जो उनके दोस्त हैं जो मित्र हैं उनके वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, और इधर जो हैं वो गाय जो हैं चर रही हैं दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ऐसा दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रथ जिसमें कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और इसको चला रहे हैं, ऐसे यहाँ पर दर्शाया गया है। महाभारत में आपने इस रथ को देखा होगा जिस पे अर्जुन युद्ध करते रहते हैं कौरवों से, ये देख सकते हैं। बेसिकली ये रथ हनुमान जी का होता है, देखो यहाँ पे हनुमान जी हैं। जय जय श्री राम, ये देखिए। यहाँ पे दोस्तों कृपालु लिखा हुआ है, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी सी LCD है जिसमें लाइव चल रहा है, मंदिर के जितने भी कार्यक्रम हैं मंदिर के अंदर हुए हैं वो सब दिखाए जा रहे हैं, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिरण है, और ये है बहुत ही बड़ी एक शिवलिंग जिसके ऊपर नाग है, और ये डमरू त्रिशूल है आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे इसमें गाँव वालों को दर्शाया गया है। और इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है दोस्तों गोवर्धन पर्वत, अगर आपने देखा होगा तो जब क्या होता है गांव वालों के जब बाढ़ में घर टूटने लगते हैं सब टूट जाते हैं, तो कृष्ण भगवान अपने सबसे छोटी वाली फिंगर से गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, वो चीज़ यहाँ दर्शाई गई है आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये फव्वारा चल रहा है, और इसके ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप। आइए थोड़ा पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो देखो इस तरीके से लोग जो है देख रहे थे, और वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राधा रानी बैठे हुए हैं देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है, और ये है गोवर्धन पर्वत देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं अपनी एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आपको, मतलब बचपन से सोचा था कि कभी प्रेम मंदिर आएंगे और कृष्ण जी के दर्शन करेंगे और पूरा वृंदावन पूरा का पूरा विजिट करेंगे, देखेंगे कितना सुंदर होगा, मतलब वीडियो में देखा फोटो में देखा बहुत अच्छा लगता था, दोस्तों ने बहुत बार बोला कि चलो चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थे अकेले हम घर से बाहर इतना नहीं निकले, लेकिन अभी हम अपने पार्टनर के साथ यहाँ आए हैं तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है यहाँ से ना जाएं, यहीं पे बस जाएं। राधे राधे, अभी हम चलते हैं सीधा अंदर और दर्शन करते चल के हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं दर्शन करके यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और ये है प्रेम मंदिर का फ्रंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम मंदिर, और अंदर है राधा कृष्ण की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति जिसके मैं दर्शन आपको कराता हूँ चल के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है अंदर की टाइम, बहुत ही सुंदर है अंदर की साइड, और ये पत्थर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये पत्थर है, ये सामने देख सकते हैं। Thank you.
यहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी यशोदा मैया के पैर दबा रहे हैं, यहाँ पे दृश्य दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। और मंदिर के दोस्तों चारों तरफ ना बहुत ही अच्छी अच्छी जो मूर्तियाँ हैं वो खंभों में और दीवारों में एकदम पिरो कर बनाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गोवर्धन पूजन के टाइम की है, गिरी गोवर्धन धारण, आप देख सकते हैं जब उन्होंने पर्वत उठाया था वहाँ पर की यह मूर्ति दर्शाई गई है। सारी मूर्तियाँ दीवारों में दर्शाई गई, मैं चारों तरफ आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अद्भुत दृश्य है इस मंदिर का, देखिए बहुत खूबसूरत है। ये देखिए कालियानाथ नाथन लीला देख सकते हैं, राधे राधे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे 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 जरूर लिखें। और तो एक बार राधे राधे का जयकारा, राधे राधे।